Good morning, students. Myself, Mandeep Kumar from Gateway School as a computer teacher. आज हम टॉपिक कवर करेंगे. ये टॉपिक है क्लास 3 का द कंप्यूटर सिस्टम. इसमें मैं चैप्टर 1 इसे मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में. व्हाट आर द कंप्यूटर, क्या होता है कंप्यूटर. इसके बाद मैंने बताया था कि हाउ डज द कंप्यूटर वर्क. इसमें मैंने आईपीओ साइकिल के बारे में मैंने बताया था और सारा का सारा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कैसे होता है, क्या होता है. इस वीडियो में मैं आगे की क्लासेस में इसमें मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द स्टोरेज डिवाइस एज वेल एज द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. क्या क्या स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एज वेल एज स्टोरेज क्या होता है और फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर क्या होता है. तो आगे हम चलते हैं वीडियोस में. तो मैं बताता हूँ सबसे पहले स्टोरेज. स्टोरेज क्या होता है कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, काम करने के बाद जब आपका काम फिनिश हो जाता है तो कंप्यूटर के पास एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोरिंग कैपेसिटी होता है उसके पास. वो कहाँ स्टोर होता है, वही स्टोरेज में स्टोर होता है. वो क्या क्या होता है, जैसे व्हेन वी फिनिश द वर्किंग विद योर दैट डेटा एंड द इंफॉर्मेशन, यू कैन स्टोर इट इन ए परमानेंट फॉर्म कॉल्ड द स्टोरेज. जो भी चीज आप करते हैं कंप्यूटर पे, उसके बाद क्या होता है, वो कंप्यूटर पे स्टोर हो जाता है परमानेंट फॉर्म में. उसी को जो हाँ स्टोर होता है, जिस जहाँ पे स्टोर होता है, दैट इज अ स्टोर. स्टोर देन आफ्टर उसके जो डिवाइसेस पे स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज डिवाइस. दीज आर दैट आर द क्या क्या होते हैं हमारे, वो स्टोरेज डिवाइस हो गए हमारे, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गए, डीवीडी हो गए, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्टोरेज डिवाइस है. देन आफ्टर अगर हम बात करें आगे की, क्या बात करेंगे, व्हाट इज फीचर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इस वीडियो में आगे की क्लास में मैं बताऊंगा इसमें. तो सबसे पहले हमारे तो जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है. जो कि क्या करता है, इसे स्पेशल बनाता है और सारे मशीन से और सारे चीजों से. तो इसमें सबसे पहले हम फीचर्स की बात करें तो हमारे पास पांच फीचर्स के बारे में इसका डिस्क्राइब करूंगा. इसमें सबसे पहले हमारा फीचर्स है क्या स्पीड, सेकेंड है हमारा एक्यूरेसी, थर्ड है हमारा रिजिलेंस, मेमोरी एज वेल एज मल्टीटास्किंग. और क्या क्या है इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो स्पीड के कंप्यूटर जो भी वर्क करता है एज वेल एज जो भी वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग स्पीड है उसका क्या है, बहुत ही फास्ट है. कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी फास्ट स्पीड देन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स से भी ज़्यादा स्पीड से काम करता है. इसका जो वर्किंग कैपेसिटी होते हैं MBPS में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग है स्पीड का मतलब. कहने का मतलब कंप्यूटर एक बहुत ही फास्ट मशीन है, बहुत ही फास्ट वर्क होता है. सेकेंड जो है हमारा क्या फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में अगर हम बात करें, दैट इज एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या होता है, कहने का मतलब ये कंप्यूटर इज 100% एक्यूरेट. कंप्यूटर क्या होता है, हमेशा एक्यूरेट ही होता है. कहने का मतलब कंप्यूटर गलत नहीं हो सकता. अगर आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को गलत के डालते हैं, यूजर्स अगर इंस्ट्रक्शंस गलत डालता है तो यूजर्स के अकॉर्डिंग कंप्यूटर गलत हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर इट डज नॉट, इट नेवर मेक मिस्टेक्स. कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता, दैट्स व्हाई इट्स हैव एक्यूरेसी. दैट इज व्हाई कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट. जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है ना एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा. देन आफ्टर रिजिलेंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द टायर्डनेस. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्या कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है, कुछ समय काम करने के बाद उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और साथ साथ वो टायर्ड फील करने लगते हैं. बट कंप्यूटर के साथ ये फीचर्स है कि कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है. 4 hours, 2 hours, 10 hours तक वो कंटिन्यू वर्क कर सकता है. वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर द प्रॉपर टाइम्स. देन आफ्टर अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें मेमोरी की, तो कंप्यूटर has its large memory there in the storage used and ordered data. Storing capacity की बात करें तो कंप्यूटर के पास बहुत ही highest amount of storing capacity होता है. For example, hard disk में आप बहुत ही ज़्यादा store करके रख सकते हैं कंप्यूटर के, in the future use बाद में उसको use कर सकते हैं. फिर आपने अगर हम बात करें इसके बाद मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर जो है ना एक मल्टीपर्पज मशीन है, दैट्स द परफॉर्म द वैरायटी ऑफ ए टास्क. बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकते हैं. जैसे मैंने बताऊंगा आपको कि आप किस पे क्या क्या कर सकते हैं, अगर दैट इज अ सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन. अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ें करना चाहते हैं तो कंप्यूटर पे आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल प्लेइंग ऑफ ए गेम एज वेल एज मेकिंग प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं. इसलिए हम बोलते हैं क्या कंप्यूटर क्या है, एक मल्टीटास्किंग मशीन है. तो इस तरह से ये फीचर्स ऑफ कंप्यूटर मैंने कवर किया. इसमें मैंने सबसे पहले बताया कि स्पीड क्या होता है, ये फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला जो है दैट इज स्पीड, सेकंड एक्यूरेसी, थर्ड रिजिलेंस, मेमोरी एंड मल्टीटास्किंग. इस तरह से मैंने बताया कि फीचर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है. देन आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर एज वेल एज द वर्ड. तो नेक्स्ट वीडियो में वेट करते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.